हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज बात करेंगे बैंक निफ्टी। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी मैंने कल एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था, तो इसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो आपको बाय करने के लिए बोला था अगर इसको ब्रेकआउट करे तो, क्योंकि बाय अब ब्रेकआउट नहीं किया। तो पहले आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लाइन था, इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे, तो जाके नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लाइन वो प्रीवियस हायर पॉइंट यहाँ पे सपोर्ट था, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं किया। तो अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो मुझे लगता है नीचे आ सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी डेट भी है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो यहाँ से आके फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है ऊपर की तरफ, तो 28,000 के आसपास, राइट। तो इसलिए हमें पहले वेट करना पड़ेगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे सपोर्ट है क्या नहीं। तो इसलिए हम अगर देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट में हम एंटी के लिए देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एंटी के लिए यहाँ पे एक मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे राइट। तो मार्केट अगर नीचे आ गया तो ये मूविंग एवरेज सपोर्ट बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मिले तो अराउंड 27,400 के आसपास तो बाय जा सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट आपका 27,800 का आसपास रहेगा, राइट। तो अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो कंटिन्यू इसको ब्रेक 200 को क्रॉस कर दिया तो नीचे आने का चांसेस है, तो 26,700 के लिए। इसलिए हमें यहाँ पे एक एंटी लगा के उसका नीचे, जैसे 200 मूविंग एवरेज रहेगा तो उसका नीचे हम SL लगा सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।